तारे को ला नहीं सकते, इस तारे की प्रक्रिया को करने के लिए उन्होंने अपने तरफ से उत्सव को भगवान तक पहुंचाने के लिए, आकाश तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया इस माध्यम से की है, जो पटाखों के माध्यम से की है, अब उस नजारे को देखने के लिए आप सब लोग पीछे आएंगे, हम एक बार वो नजारा देखेंगे, उनके उस एक कर्तव्य को, उनके उस एक कर्तृत्व को देखेंगे जो हमारे लिए आनंददायक होगा। और भगवान अगर प्रभु जी ऊपर है तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से लेकर सारे देवता इस उत्सव को हम मना रहे हैं, इसको देखकर आनंद मग्न हो जाएंगे। आप सभी लोगों को मैं पीछे उस नजारे को देखने के लिए पूजा रहा हूँ, उसके बाद में कार्यक्रम होगा, सभी लोग पीछे आ जाएं। भगवान गौतम बुद्ध जी को भी सुना और परशुराम जी को भी, लेकिन उत्सव मनाने की प्रक्रिया हुई तो सिर्फ श्री कृष्ण के जमाने में। हमने कभी ये नहीं देखा कि रामचंद्र जी के जीवन में उन्होंने कभी उत्सव मनाया। उत्सव मनाया सिर्फ दो बार, एक बार जब रावण की अंतिम यात्रा हुई, रावण धराशायी हो गया, तो सारे भारत सैन्य में कोलाहल मच गया और वे खूब नाचने और गाने लगे रामचंद्र की विजय के बारे में। वो एक उत्सव था। रामचंद्र जी सीता को पाकर जो अग्नि परीक्षा देने के बाद उत्सव में उस हनुमान जी के साथ सब नाच रहे वानरों को देखकर वे उत्साहित थे सीता को प्राप्त कर, लेकिन वे नाच नहीं रहे थे। उत्सव तो मनाया जीवन में श्री कृष्ण भगवान ने, और इस उत्सव के बारे में कहा जाता है कि आज जो आतिशबाजी हम देखने को मिलती है यह उस समय की आतिशबाजी है जब बाणासुर नाम का राक्षस था और उसकी बहन थी बाणामती। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनका बेटा अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध था, और चित्रा नाम की बाणासुर की कन्या जो अनिरुद्ध पर मोहित हो गई थी, स्वप्न में उसको अनिरुद्ध का चित्र दिखा था और मोहित हो गई थी, और वो चाहती थी अपनी सहेली को कि यह ऐसा पुरुष जहां भी संसार में हो उसे उठा के ला। बाणासुर बहुत ही अंजन विद्या में श्रेष्ठ था, उसके पास जो विद्या थी उस विद्या को कोई नहीं जानते थे, और उसकी बहन जो बाणामती थी उसके बारे में चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। जिस विद्या को आज आप बाणामती कहते हैं वो विद्या उस बाणासुर के बहन बाणामती से ही शुरू हो गई थी। वो किसी को जहां पे बैठ के वहां नचा सकती थी, जिसके ऊपर जो प्रयोग करना कर सकती थी। ऐसी प्रकार बहन के पास जब वो चित्रा नाम की पुत्र गई और उसने पूछा कि मामी मुझे इस चित्र में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से मैं शादी करना चाहती हूँ, उसने अंजन डाल के देखा तो श्री कृष्ण का पौत्र था और वह था अनिरुद्ध। और उस अनिरुद्ध को उठाकर लाना यह कार्य उसने कहा बाणामती को, मुझे यह कैसा भी चाहिए। द्वारका में सोए हुए वो पुत्र रुक्मिणी के पौत्र अनिरुद्ध सोए हुए थे, और उसकी सहेली ने पलंग के साथ अनिरुद्ध को उठाकर अपनी नगरी ले गए। और जब अनिरुद्ध वहां गए उन्हें वो संसार को देखा बहुत बहुत ही सुंदर, जहाँ का उजाला, जिस अंधेरे में जिस पाताल में वहां बाणासुर रहा करता था वहां का उजाला देखकर उसे लगा कि यह ऐसी कौन सी नगरी है इतना यहाँ उजाला, यहाँ रोज उत्सव मनते हैं। और उसने उस उत्सव को देखकर अनिरुद्ध उसके साथ रह गया, लेकिन यहाँ रुक्मिणी जो दादी कहलाती थी अनिरुद्ध की, उसने श्री कृष्ण से कह लिया कि देखा तुम इतने सब महान हो, इतने योगीश्वर हो, और तुम्हारे पोते को किसने उठा लेके रह गया, मुझे मोजा पोता चाहिए। श्री कृष्ण एक मिनट के लिए परेशान हो गए, कहने लगे पोता कहाँ गया भाई, पूरे ब्रह्मांड में देखने लगे कि पोता कहाँ गया। श्री कृष्ण भी तो उतने ही माया भी थे। प्रद्युम्न ने कहा कि पिताजी ये क्या हुआ। रुक्मिणी सत्यभामा सारे लोग उनके पास आ गए और कहा कि पोता चाहिए। जब कृष्ण ने देखा कि बाणासुर की बहन बाणामती ने उसे उठा लेकर उसके कब्जे में उसे रख लिया है और उसके पास पहुंचना बहुत ही कठिन है, वो मंत्र से ऐसी रक्षा ऐसा रक्त चक्र खींचा हुआ है कि उसके पास पहुंच नहीं सकते। श्री कृष्ण को लगा कि यह बाणासुर और यह बाणामती जिनकी विद्या के पास हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी जादू माया कुछ नहीं चल सकती, तो लगा कि कृष्ण को इस माया को किस तरह तोड़े। उन्हें अपने पुत्र सांब को याद किया जो भगवान शिव जी का भक्त था, और उसे कहा कि प्रद्युम्न अनिरुद्ध को उठा ले गया है बाणासुर ने, अब ये बताइए कि इसको उसकी चुंगल से उस मंत्र से अगर उसे बाहर लाना है तो किस तरह लाना है।
क्या करने से उसको बाहर ला सकते हैं। तब सांब को शिव ने कहा कि अगर उसका मंत्र न चलने की प्रक्रिया करना है तो ये आतिशबाजी की विद्या करो, आतिशबाजी की विद्या करो तो आप बाणासुर का मंत्र आपके ऊपर नहीं चल सकता। और उसने कहा उसको उस विद्या को पहली बार श्री कृष्ण के पास एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को कहा गया चित्रसेन नाम का एक गंधर्व था, उसने इस आतिशबाजी की विद्या पहली बार इस संसार में बताई और बाणासुर के उस विद्या को आतिशबाजी जलाते हुए कहा कि तेरा मंत्र कुछ भी तेरा तंत्र काम नहीं करता। यही बात रावण, जब रावण का काष्ठ आज भी जल रहा है और रावण का तंत्र ना लगे, विभीषण पर इसके ऊपर प्रक्रिया ना हो, आज भी हम दशरथी को दशहरे के दिन रावण को इसी आतिशबाजी से जलाते हैं। इसके पीछे यह है कि जहां आतिशबाजी चलती है वहां तंत्र नहीं काम करता, वो कोई ऐसा तांत्रिक प्रयोग नहीं काम करता जिसे भानामती कहा जाता है। तो ऐसी विद्या श्री कृष्ण के उस प्रक्रिया से आरंभ हुई और जब आतिशबाजी करते हुए कृष्ण बाणासुर की नगरी में पहुंचे तो उसका मंत्र काम नहीं कर रहा था और अपने अनिरुद्ध को लेकर वे वापस आ गए। यह आतिशबाजी विद्या का एक रहस्य है। जब से आतिशबाजी विद्या आरंभ हुई, जिस गंधक को जिसे आज हम सल्फर के नाम से इसके उसमें उपयोग, जिस बारूद का उपयोग करते हैं उसका उजाला हो, यह विद्या उस समय से आरंभ हुई। और उस जब उन्हें लाया गया तो कृष्ण ने कहा कि आतिशबाजी की इस विद्या को देखकर जिस चित्रसेन गंधर्व ने कहा था उसके आने पर उत्सव मनाया था इस आतिशबाजी का। और श्री कृष्ण ने उत्सव मनाते हुए सारे गोपकुल में वृंदावन ने बता दिया था कि ये इस विद्या के जानकार ये गंधर्व है। आज हम उसने उस गंधर्व विद्या को हमने आज हमारे आश्रम में देखा। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने यह कार्य किया। मुझे आज भी पता है आतिशबाजी हमें तो सिर्फ दीपावली के समय में ही याद आती है, और आतिशबाजी दीपावली उसी समय होते हैं जिस समय नरकासुर का वध हुआ था और सत्यभामा उत्सव मनाने के लिए दीपावली के दिन हम आज भी आतिशबाजी कहते हैं ताकि उस द्वारका नगरी पर कोई तंत्र बाधा ना हो, इसलिए उस आतिशबाजी की विद्या आज भी उसे और आज भी वो प्रचलित है। मुझे पता है कि आतिशबाजी जलाने के लिए मुझे बचपन में मेरे पिताजी के जमाने में 2 रुपयों में आतिशबाजी लाने के लिए दीपावली के लिए हमें छटपटाना पड़ता था। वे मेरे पिताजी थे, एक छोटे से नौकरी में चलने वाले, 2 रुपये में आतिशबाजी लाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी कठिन की बात थी। 2 रुपये में लाने के लिए हम उसे जमा जमा करके रखते हुए 15 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा जलाया करते थे। और आज जिस पिता की मैं बात कर रहा हूँ वो स्वामी निकलेश्वरानंद जी है, और जिनके सामने आज मैं आतिशबाजी का यह उत्सव देख रहा हूँ उस पिता के सामने इस उत्सव को आप सभी ने देखा। वो 2 रुपये की बात कहाँ, आज ये 50,000 की बात कहाँ। जिसका पिता योग्य हो, जिसको गुरु तुल्य पिता मिले और जिसकी श्रेष्ठता हो और हम पुत्रवत या शिष्यवत बनकर उनके चरणों में रहे, तो मैं जो आज ऐश्वर्य अनुभव कर रहा हूँ वो उस माता पिता को जिन्हें मैंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा कहा है और तुम्हें माता के पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें कहा है, उस सखा और बंधु के उस राज्य में मैं आज देख रहा हूँ, मैं इतना ऐश्वर्य सारा अनुभव कर रहा हूँ। मैं यही आपको बात समझा रहा था। आप तुम्हें माता दिल से कहो गुरु को, और जिस परिवार के आप सदस्य बनो तो आप भी ऐश्वर्य अनुभव कर सकते हैं। आप इस ऐश्वर्य बनने के लिए आप तुम्हें माता कहने का विधान सीखो, गुरु को माता पिता मानने का विधान सीखो, और जिस दिन आपको वो पुत्र मानेंगे आप सारे ऐश्वर्य अनुभव करेंगे। जो उत्सव भगवान कृष्ण ने बनाए थे वो उत्सव आपके घर में भी होंगे, आपके घर में भी हजारों लोग खाएंगे, हजारों लोग उत्सव के आनंद के साथ रहेंगे। आप भगवान को माता पिता या गुरु को अपने माता पिता मानने में कोई कसर बाकी नहीं रखना। पिता को जिस तरह हम जिस तरह का गौरव प्रदान करते हैं, वह गौरव प्रदान करने का अगर आप गौरव प्रदान करने की इच्छा गौरव प्रदान करने का तरीका आप सीख जाओ तो आपको प्रभु कोई कम नहीं करेंगे। आपके दिन में हर दिन उत्सवमय होगा, हर दिन आपका घर में उत्सव होगा। मुझे आज भी याद है गुरुजी 5 जून 1998 उत्सव में 3 जुलाई को गुरुजी का महाप्रयाण हुआ था और 5 जून माणिक ग्रहण महोत्सव था माताजी और गुरुजी का, और हम जोधपुर गए और उस दिन पाणी ग्रहण महोत्सव मनाया जा रहा था। तो गुरुजी बहुत थके हुए थे और वे भी पैजामा और अपनी लालची डाले हुए गुरुजी और माताजी आए और उन्होंने देखा कि मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था, आपकी जैसा जोधपुर में शिविर था पीछे बैठा हुआ था। तो गुरु जी को पता चला कि 98 का गुरु पूर्णिमा शिविर जोशी हैदराबाद में ही है। तो गुरु जी ने कहा मैं पाम्पलेट्स लेके गया था और गुरु जी को बताना था मुझे, लेकिन गुरु जी थोड़े अस्वस्थ रहने के कारण मैं गुरु जी आने पर ही बताएं ऐसा समझ के मैं पीछे बैठा हुआ था। और हमारे गुरु भाई श्रीवास्तव जी
स्पीच दे रहे थे पाणी ग्रहण महोत्सव के बारे में, और उस समय हमने गुरुजी का और माताजी का एक चित्र लैमिनेशन करके गुरुजी को हमने हैदराबाद के सिद्धासन साधक परिवार की तरफ से दिया था। गुरुजी जैसा ही बैठे गुरु पूर्णिमा में आकर अपने आसन पर विराजमान हुए, तब तक श्रीवास्तव जी गुरु भाई ने अपना प्रवचन दिया था कि कल्याण उत्सव गुरु जी का हम आज मना रहे हैं, एक कल्याण उत्सव मनाने का एक विशेष कार्यक्रम है। आज हम गुरु जी का पाणी ग्रहण महोत्सव मना रहे हैं और इस उत्सव में इस यंत्र को, पाणी ग्रहण के इस यंत्र को जो भी अपने घर में रखता है गुरु जी के माता पिता का चित्र और इस उत्सव का यह मंत्र बोलता है, उसके घर में अगर विवाह नहीं होते हैं तो विवाह होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा उनका वो कहना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने इतना भी कहा हुआ नहीं, उसने भी थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने मुझे जोधपुर के उस इसी मंच पर बुलाया और जोशी गुरु पूर्णिमा के बारे में सभी को आह्वान दे और दो शब्द बोल। मैं जैसा ही मंच पर गया, मैं गुरुजी की स्थिति देखकर पहले गुरुजी के चरणों में नौताजी के चरणों में नमस्कार किया और मैंने कहा कि आज हम जो पाणी ग्रहण महोत्सव मना रहे हैं गुरुजी का 5 जून का, मैं चाहता हूँ कि ये नित्य बने, क्योंकि हमारे आंध्र में आप श्रीशैलम जाओ या तिरुपति जाओ या बड़े बड़े जितने भी जहाँ भी जाओ, आज शिवजी और पार्वती का हो या भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती का हो, रोज विवाह होता है, उसे नित्य कल्याण कहते हैं। जहाँ नित्य कल्याण होता है उसमें भाग लेने वाले हजारों लोग भाग लेते हैं, इसलिए वे ये मन्नत करते हैं, ये उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम तुम्हारा कल्याण, हमारा तुम्हारी शादी का प्राणी ग्रहण महोत्सव मनाएंगे, अगर तुम्हारा मनोत्सव मनाएंगे तो हमारे घर में प्राणी ग्रहण न हो रहा है, बेटियों की शादियां न हो रही है तो उनके घर में वो मनाया जाता है। मैंने कहा जो भगवान यहाँ विराजमान है, जिसके बारे में यह प्राणी ग्रहण महोत्सव का यंत्र बनाया गया है और हमारे यहाँ देवताओं में रोज नित्य कल्याण होता है, आप 5 जून की बात मत करो, इस यंत्र की नित्य कल्याण तुम्हारे घर में अगर तुम उत्सव मनाओगे तो तुम्हारे घर में उत्सव ही उत्सव होगा। ये बात मैंने जैसे ही कही, देखा कि उस दिन उस यंत्र सारे के सारे यंत्र चले गए और सारे लोगों ने कहा कि पाणी ग्रहण महोत्सव गुरुजी आज 5 जून का, वो पाणी ग्रहण महोत्सव गुरुजी का हर रोज उस मंत्र का, उस मंत्र की आराधना करते हैं। और मैंने उस दिन गुरुजी के चेहरे पे ये हंसी देखते हुए कहा कि यह जोशी जो है मंच पर आता है तो कोई ना कोई हलचल मचा देता है, और उसने जब गुरुजी ने कहा कि मैं पाणी ग्रहण महोत्सव गुरुजी का 5 जून का नहीं हर दिन मनाना चाहिए, तो गुरुजी ने ताली बजाते हुए कहा कि यह कार्य आंध्र में होता है, दक्षिण में, उत्तर भारत में नहीं होता, अब उत्तर भारत में परंपरा चलेगी। और उस दिन मैंने ये बात कही, वो उत्सव उस दिन भी देखा और मैं आज ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो यहाँ देख रहा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, सच कहूँ तो ये मेरे बस की बात नहीं है, ये केवल मेरे गुरु की कृपा है जो आपने आज आपने ये उत्सव देखा। मैं एक आप जैसा मामूली साधक हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन जरूर बात कहता हूँ करोड़पतियों से भी बढ़कर, क्योंकि मेरे पर गुरु की कृपा है और मैं गुरु कृपा से कार्य करता हूँ। मैं अपने आप को किसी कुबेर से कम नहीं समझता, क्योंकि उस शिव से, जिस शिव को मैंने नहीं देखा लेकिन जिस शिव को मैंने गुरु रूप में देखा है, वो शिव की कृपा मुझ पर भी है, मैं भी कुबेर हूँ और मेरे कुबेर जैसे सारे शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे एक वचन के लिए उत्सव मनाएंगे, ऐसे गुरु पूर्णिमा हम कितने भी मनाएंगे, हर एक के पास ये गुरु पूर्णिमा बनेगी और ऐसा ही उत्सव होगा। ये संसार में जहाँ भगवान बैठे हुए हैं, जहाँ कैलाश सिद्धाश्रम के योगी बैठे हुए हैं, जहाँ भी है, वे देखेंगे कि आज भी गुरु पूर्णिमा गुरु जी के महाप्रयाण के बाद भी वो जीवंत ज्वलंत निखिल चेतना केंद्र निखिलेश्वरानंद जी के गुरु पूर्णिमा उतनी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और आसमान उसका प्रतीक है, उसने देखा है कि वहां तारे आज भी जगमगा रहे हैं और उत्सव की वो चिंगारियां आज भी उछालते हुए देख रहे हैं, ये चिंगारियां उतनी भी जरूरी। हम इसी तरह की गुरु पूर्णिमाएं हमारे जीवन में, मैं आपको ये बात आज इस बारे में, गुरु जी का महाप्रयाण हुआ, निखिल ज्योति जली, ये निखिल ज्योति आने वाले पीढ़ियों तक, इस अवतार तक, इस कलियुग के अंत तक ये निखिल ज्योति और भी भव्य रूप से जलनी चाहिए, आसमान में निखिल का तारा जगमगाना चाहिए और सब लोग उस तारे को देखना चाहिए, ये केवल हमारे भक्ति और भक्तिभाव से और उनके प्रति समर्पण से, उनके मार्ग पर चलने से ही साध्य है और उनका मार्ग है बताया हुआ, साधना का मार्ग है, और साधना मार्ग पर चलेंगे तो निखिल का तारा जरूर चमकेगा आसमान पर, सारा ब्रह्मांड उसे देखेगा। सारा सिद्धाश्रम देखेगा कि जिस कार्य को लेकर, जिस ज्योति को लेकर गुरुजी यहाँ पधारे थे, वह ज्योति खाली नहीं गई, वह निखिल तारा बनकर चमक रही है और संसार को सूर्य के भांति वह साधना का मार्ग बताते हुए इस भारत को वही सोने की चिड़िया बनाएगी जो भारत इस संसार में पहले था।
जिस वेदों को लेकर वह था वैसा ही भारत फिर जागृत और चैतन्यवान होगा। जहाँ साधनाएं नहीं चली, जहाँ साधनाओं के बारे में प्रहार हुआ, जहाँ गुरुकुलों पर प्रहार हुआ, उस विद्या को, उस बुझी हुई बत्ती को गुरु जी ने जलाया है, उस ज्योति को, बुझे हुए दीपक को गुरु जी ने जलाया है। और जलाते हुए इन दीपकों को आज जलाते हुए वो आसमान तक उस जेतु को ले जाना चाहते हैं। और ज्योति जिस दिन हुई तो निखिल नाम का सूर्य प्रकाश पैज होकर चमकेगा और सिद्धाश्रम के योगी देखेंगे कि गृहस्थों ने यह काम करके बताया है, सन्यासियों ने नहीं। गुरु जी की बहुत इच्छा थी। गुरु जी कहते थे सन्यासी तो सिद्धाश्रम के योगी तो मेरे लिए प्राण निछावर करने के लिए तैयार है, वे मेरे एक वचन पर नाचेंगे। लेकिन मैं जिन गृहस्थों को उस सन्यासियों से भी आगे बढ़कर साधना में देखना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सन्यासी नहीं है, वे अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। मैं ऐसे गृहस्थ को बनाना चाहता हूँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने, और ऐसे योग ही बने जो भगवान में सूर्य भगवान हो, उनकी भी पत्नी है, उनको भी बेटे हैं, शनि भगवान उनके बेटे, यम धर्मराज उनके बेटे हैं, और जो संसार में बैठे हुए हैं जो कोई सन्यासी नहीं, सारे गृहस्थ हैं जिन्होंने ज्योति जलाई है, जो अपने आप को जलाते हुए प्रकाशमान करते हैं, ऐसे ज्योतियों को मैं जलाना चाहता हूँ। और गुरु जी ने ये निखिल ज्योतियां जलाई है। आप सब लोग उनके मार्ग पर चलकर ये बताएं कि हम निखिल ज्योति बनकर इस संसार में आने वाले पीढ़ियों तक इस निखिल चेतना केंद्र को आगे बढ़ाएंगे, गुरु जी के एक एक वचन को आगे लेकर चलेंगे। मेरी कामना है, मेरा बस चले तो मैंने जैसा आपको कहा द्वादश ज्योतिर्लिंग में निखिल चेतना केंद्र बनेंगे, अष्टादश शक्तिपीठ में निखिल चेतना केंद्र बनेंगे, वो साधना क्षेत्र होगा, वहां साधनाएं बनेगी, क्षेत्र की महत्ता होती है। और इसके लिए आप सभी को भी जूझना है जितना मैं जूझ रहा हूँ। मैं जूझ रहा हूँ नहीं है, ये आपको आपके मन को मालूम, अगर आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी ही तड़प आप में भी होनी चाहिए। आप एक बार गुरु जी के लिए एक ईंट खर्च करके देखो, वे आपके 10 घर बना देंगे। आप एक रुपया गुरु जी के लिए खर्च करके देखो, वो 10 रुपए गुरु जी आपको दे देंगे। लेकिन वो एक रुपया देने हैं इस बात, इस विचार से नहीं कि मुझे 10 रुपए आएंगे इसलिए एक रुपया दे रहा हूँ, ये भावना कभी नहीं रखना। एक रुपया खर्च करते समय दिल से खर्च करना कि गुरु जी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ये मेरा समर्पण है। आपका समर्पण छोटा सा भी रहा तो गुरु का समर्पण सबसे महान है। आप छोटा सा कंकड़ डाल रहे हैं तो वो पहाड़ आपको देंगे, क्योंकि वो पर्वतमय है, वो महान है। उनके पास इतनी सारी सिद्धियां हैं कि सारा ब्रह्मांड उनकी सिद्धियों के सामने है, और वो सिद्धियां देने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, केवल आपसे वे चाहते हैं तो प्रेम और समर्पण। प्रेम और समर्पण आपका उनके पास है तो आपका अपने आप को आपके ऊपर नछार कर देंगे। आपने यह सिद्धाश्रम या निखिल चेतना केंद्र आपके सामने खड़ा हुआ है। एक जो यहाँ 1998 या 1999 में जिसकी नींव पड़ी थी, आज 2060 साल हो गए निखिल चेतना केंद्र को चलते हुए, इतनी अड़चने आई, अड़चने आज भी आ रहे हैं, अड़चने निर्माण कर रहे हैं, ये पहली बात नहीं है। हर संत को हर के पीछे ये बात रही है। और मैंने जैसा आपको सुबह समझाया कि शत्रु मेरा कोई नहीं है, मैं सभी को मित्र मानता हूँ, चाहे अड़चन निर्माण करने वाला हूँ या अड़चन नहीं निर्माण करने वाला हूँ। लेकिन एक बात याद रखता हूँ, एक बात मैं जरूर पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, मैं मुझे कष्ट पहुंचाऊं मैं इसका दुख नहीं है, लेकिन मेरे गुरु कार्य में अड़चन अगर निर्माण कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर जरूर प्रहार करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, इस जन्म में नहीं 10 जन्मों तक भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत देखूंगा। मुझे गुरु पूर्णिमा में गुरु जी का वह कहा हुआ वचन याद है, गुरु पूर्णिमा में गुरु जी यही ऐसा ही मंच रचा हुआ था, गुरु जी बात कर रहे थे, बात करते करते गुरु जी ने अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना देने से पहले कहा कि जोशी तूने जो कार्य किया है, सिद्धाश्रम के योगी भी यहाँ आए हुए हैं गुरु पूर्णिमा में और वे तेरे पर ईर्ष्या करते हैं। मैंने कहा गुरु जी वो योगी हैं, मुझ पर क्यों ईर्ष्या करने लगेंगे? तो वो ये कहना चाहते हैं कि तूने जो आज यहाँ मंत्र रचा, यहाँ इन सभी लोगों को इकट्ठा किया और मेरे मुंह से जो मंत्र आपने दिलवाए हैं वो मंत्र आज सिद्धाश्रम में भी प्राप्त नहीं है, इसलिए वो ईर्ष्या करते हैं। ये जो तेरा कार्य है सारा संसार देख रहा है। मुझे उस गुरु जी के वचनों को देखकर कहा कि गुरु जी इसमें ईर्ष्या करने की क्या बात है? तो गुरु जी ने कहा वे इतने तपस्वी, उतना सब कुछ करते हुए अपने पहली बार अगर आपको याद है तो झोपड़ी ही बनाई थी, आज ये झोपड़ी आप महल के रूप में देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर बने, ये ऐसा मंदिर बने 10 महाविद्याओं का, जहाँ गुरु जी मेरे सर्व ऐश्वर्य महान हो, उनको उनका सारा ऐश्वर्य मैं उनके चरणों में न्योछावर कर सकूं। आप सभी शिष्यों के मुख पर वह निखिल की हंसी देखना चाहता हूँ, वो मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, वह संतोष और प्रसन्नता देखना चाहता हूँ जो गुरुजी बिखेरना चाहते थे। ये मेरा प्रयत्न है, मैं प्रयत्न कर जीवन के आखिरी क्षण तक प्रयत्न करते रहूंगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी ही अड़चने आए।
लोग कितना भी दुख पहुंचाए, मेरे शरीर को कितना ही आहत पहुंचाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। और गुरु जी चाहते हैं कि क्या मेरा शिष्य खड़ा है, क्या मेरा शिष्य इस इतने अड़चनों को सहकर भी खड़े रहकर काम कर रहा है, करेगा, उन्हें बहुत संतोष होता है। गुरु को तभी प्रसन्नता होती है कि सभी को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते हुए नदी प्रवाह उस समुद्र रूपी गुरु में मिलने की प्रक्रिया करते हुए आगे दौड़ते हुए आके कभी रुकती नहीं, उसे रुकने का कोई संदेश जिसे समुद्र रूपी गुरु हो तो वो नदी रूपी प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। और वो कितनी भी अड़चने कितनी चट्टाने आए उसको टक्कर मारते हुए आगे बढ़ेगा, चट्टानों को आगे निकालते हुए आगे बढ़ेगा। और मैं वो कार्य कर रहा हूँ और तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी अड़चने आए तुम निखिल ज्योति जलाते हुए आगे चलो। तुम्हारे जीवन में चलोगे, समुद्र के ऊपर चलोगे, समुद्र के पास जाओगे तो तुम देखोगे भारत, सारा भारत तुम्हारे पीछे आएगा, सारा संसार भारत ही नहीं सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे आएगा। और सिद्धाश्रम की योगी इस आश्रम में आके जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा आश्रम हमने नहीं देखा है जो सिद्धाश्रम सदृश है जहां स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बैठे हुए हैं। हमें केवल करना है तो हमारा समर्पण, केवल करना है तो हमारे उनके प्रति हमारी निष्ठा, हमारे उनके प्रति सेवा और उनके बताए हुआ मार्ग, साधना का मार्ग, हमें उसके ऊपर चलना है। हम उसके ऊपर चलें, हम उसके ऊपर कार्य करें। मैं ऐसा जीवन में नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में अड़चने नहीं है, अड़चने हैं। ऐसा कौन है, चाहे जीसस क्रिस्ट को लो जिनको कीलों से मार ठोका गया, विष दिया गया। मैं बार बार बात आपको समझा रहा हूँ, हरेक के जीवन में अड़चने हैं, हरेक के जीवन में कष्ट है, हरेक के जीवन में लोग कष्ट पहुंचाने वाले, अड़चने पहुंचाने वाले हैं। भगवान उन्हें सुखी रखे जहां भी है वो, उन्हें सुखी रखे। लेकिन जब गुरु कार्य में अड़े आते हैं तो उनका सुख दुख में बदल जाएगा, दरिद्रता में बदल जाएगा। 7 जन्मों तक भी उठेंगे नहीं कभी, जिन्होंने मेरे गुरु कार्य में अड़चन निर्माण किया है उनकी दरिद्रता उन्हें नोचेगी जरूर, उस तरह ही नोचेगी कि जिस तरह मेरे गुरु के ऐश्वर्य को उन्होंने रोका है। आज अगर वो नहीं रोकते तो आज 10 साल में मैं यहाँ निखिल धाम या निखिल फार्मेसी, निखिल का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में यहाँ खोलना चाहता था। आज उनके उस कार्य की वजह से वो सारा कार्य रुका है। मैं आपको माइक के माध्यम से बता रहा हूँ किन किन लोगों ने यहाँ अड़चन निर्माण की है, प्रभु मेरे सदगुरुदेव उन्हें देख लेंगे। मुझे ये गारंटी है कि मैं मेरे कार्य में कोई कसर नहीं निकाल रहा हूँ। मैं आखिर तक मेरे प्राणों को भी त्याग दूंगा, लेकिन मैं गुरु के उन वचनों को सिद्ध करके भी बताऊंगा। दशमा विद्या का मंदिर यहाँ होगा ही होगा और निखिल धाम या निखिल का आरोग्य धाम यहाँ होगा ही होगा। मेरे प्राणों के आखिरी क्षण तक ये कार्य मेरा चलता रहेगा, चाहे वो लोग कितने भी अड़चन निर्माण करें। मैं आपको कहता हूँ मैं कोई दरिद्र नहीं हूँ, लेकिन कभी मैं आपको कोई पैसा मांगता हूं तो उसके पीछे, या आपको आप मुझे पैसा देते हैं तो उसके पीछे केवल यही है कि प्रभु यहां आपका गुरु कार्य हो रहा है और वो उनका योगदान उस कार्य में पहुंचे। मैं रोज खाता कितना हूं, एक रोटी या एक चावल खाता हूं, या मेरी पत्नी या मेरे 2 बच्चे, इसके बारे में आप देना नहीं। मैं झोपड़ी में भी रह सकता हूं, या जब ये इतना बांधा है तो पेड़ के नीचे रहने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। आपका एक एक पैसा निखिल धाम के लिए लग रहा है, आपका दिया हुआ एक एक कार्य निखिल चेतना केंद्र के लिए लग रहा है। और आप में अगर यह चेतना है तो आप ये बात याद रखो, मैं आपको मांगूंगा नहीं। अगर कभी मांगा भी हुआ, मुझे काम पड़ के कोई मांगा है तो मैं आपका समझो मैं आपका ऋणी हूं, मैं ऋण चुकाऊंगा जरूर। मैं आपसे कभी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं साधना के मार्ग से मैं कुबेर बन सकता हूं तो मैं मेरा गुरु कार्य करूंगा। आपके पास से पैसा नहीं मांगूंगा। लेकिन शिष्य के नाते कर्तव्य आपका बनता है कि सहयोग बने। आपका 1 रुपया 10 रुपया काम करेगा। कल आज का यह निखिल चेतना केंद्र कल के लिए, कल के पीढ़ी के लिए होगा, कल के गुरुजी के उस कार्य के लिए होगा जिन्होंने जिस जीव को लगाया था, जिस साधना का मार्ग बताया था, उसके लिए होगा। आप मुझे 1000 कपड़े देंगे तो मैं 1000 कपड़े पहनूंगा नहीं, मैं एक ही कपड़ा पहनता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वास्कोट पहनूंगा। लेकिन जो कार्य यहाँ हो रहा है, हम गुरुजी के वचन, गुरुजी की इच्छा थी कि दिल्ली में आरोग्य धाम बने, क्यों नहीं बना मैं इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहता। मैं शिष्य का कर्तव्य करना चाहता हूँ, मैं आरोग्य धाम बनाना चाहता हूँ यहाँ केवल उन सिद्धाश्रम और उन निखिल चेतना केंद्र के लोगों के लिए, जिस मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक गुरुजी ने जो औषधियां बनाई है। हमारा कर्तव्य बनता है कि एक निखिल फार्मेसी, निखिल आयुर्वेद का एक आश्रम, एक आयुर्वेद का धाम बने जिसमें निखिल चेतना केंद्र की निखिल के नाम से ही दवाइयां बने, और वही दवाइयां जो गुरुजी ने मृत संजीवनी व्रत बनाया था, और दवाइयां हम सारे सिद्धाश्रम और सारे निखिल चेतना केंद्र को मुफ्त में दे सके, ऐसा कार्य हमारे से हो सके। आपने मूलाधार से शस्त्रार्थ तक लेकर मंत्र तंत्र इंद्रज्ञान की हर पत्रिका में देखा है कि गुरु जी ने बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे रोग निवारण के विधान, कैंसर जैसे रोगों को भी निदान गुरु ने बताया, एड्स जैसे रोग का भी निदान गुरु जी ने बताया है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम लोग कल्याण के लिए कार्य करें, और इसके लिए आपका योगदान हो, या आपका कर्तव्य नहीं बनता?
नहीं बने या बने ना या ना बने, मैं मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूँ। सहयोग देंगे अच्छा है, नहीं तो मेरे आखिर जीवन तक मैं ये कार्य करते रहूंगा, चाहे साधना मार्ग हो। कुबेर से भीख मांगूंगा, जब भगवान तिरुपति बालाजी ने मांगे तो मैं मेरे मांगने में क्या, कुबेर को प्रसन्न कर लूंगा अगर मेरी गुरु जी की साधना है और यहाँ आरोग्य धाम बनेगा, दसवां विश्वविद्यालय बनेगा। सहयोग आपका रहा तो वही भी बात करेगी आपके नाम से। मैं चाहता हूं कि निखिल धाम बने, यहाँ की अड़चने दूर हो। आप मुझे पूछे कि गुरुजी अड़चन क्या है, यहाँ कौन अड़चन निर्माण कर रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये आपके पास से मैं चाहता हूँ। मैं कहने पर आप कहें तो ये बड़ी बात नहीं है, और वैसे आपको मैं ऐसा कोई कष्ट में डालना नहीं चाहता। कष्ट जो भी है मैं भोगना चाहता हूँ, आपके मुख के ऊपर निखिल की हंसी देखना चाहता हूँ। निखिल का वो हास्य, निखिल का वो मंद, निखिल का मंद मंद मुस्कुराना, निखिल की प्रसन्नता आपके मुख पे देखना चाहता हूँ। प्रभु जहाँ भी सद्गुरुदेव बैठे हुए हैं आपकी हंसी में, आपके उत्सव को वो जहाँ भी बैठे देखें, और जोशी ने यहाँ इतने लोगों को बिठा के वो निखिल की हंसी प्रदान की है, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। और यही कार्य मैं आपको करने के लिए उद्यत कर रहा हूँ। निखिल चेतना केंद्र स्थापना करने में मेरा यही उद्देश्य था कि आप भी साधक बनो, आप भी प्रसन्नता दूसरों में बांटो, अपने में वैर छोड़ दो, गुरु भाई है अपना हम छोड़ दो। और यही प्रक्रिया को शत्रुदमन प्रक्रिया कहा गया है। जिसने शत्रुदमन प्रक्रिया की उसका अहम मर गया, वो तो अपने आप को भाई समझने लगा। और जब आप भाई बनकर इकट्ठे होते हैं तो ऐसे निखिल चेतना केंद्र हजारों बनेंगे भारत देश में, लेकिन जब आप अलग हो जाएंगे तो एक निखिल चेतना केंद्र भी बनेगा नहीं और एक निखिल चेतना केंद्र में भी झगड़े हो जाएंगे। आप इकट्ठे बनेंगे तो हजार निखिल चेतना केंद्र हम जरूर बनवा सकेंगे। निखिल चेतना केंद्र किस लिए बनना चाहिए, साधनात्मक दृष्टिकोण से बनना चाहिए। हम साधना में सिद्धि की बात करने के लिए बनना चाहिए, वो सिद्धि जिसमें जो लोक कल्याण के लिए काम आए, ऐसी विद्या जो लोक कल्याण के लिए काम आए। आज जो कार्य नहीं कर रहा है, मैं बार बार ये कहता हूँ, जहाँ साइंस रुक जाता है वहां से हम आरंभ करते हैं, जहाँ लोग कहते हैं कि ये कार्य असंभव है वहां संभव करने की प्रक्रिया हम करते हैं। लेकिन करने से पहले हमें ये सोचना है कि क्या हमें ये आगे ये कार्य ये काम इसके लिए करना है या नहीं करना है। हम किसी को मृत्यु से बचा रहे हैं तो पहले ये सोचना चाहिए कि इसको मृत्यु से बचा लिया जाए तो कहीं ये गुरु के लिए काम आएगा या गुरु का विद्रोह करेगा। ऐसा आदमी को बचाने से क्या लाभ। गुरु कार्य में अड़चन निर्माण करने वालों के प्रति आप में भी वही जागृति वही चैतन्यता होनी चाहिए कि हम उसके ऊपर प्रहार करें। हमारे कार्य में तुम हमें त्रास दो, हमें कष्ट पहुंचाओ, हम उस कष्ट से कहने सहने के लिए तैयार है। हमारे गुरु बैठे हुए, हमारे उन्होंने हमें पत्थर बनाया, हमें वज्र शरीर दिया, प्रदान किया है साधना के मार्ग से, हम वो तुम्हारे सारे कष्ट सह लेंगे। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम ऐसे कार्य करें, ऐसे कार्य करें जिस कार्य से तुम्हारा और तुम्हारे वंश का, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का, तुम्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखें और कहें कि हमारे बाप दादा इतने श्रेष्ठ थे, उन्होंने लोक कल्याण इस तरह का किया था। हमारा भारत फिर गुलाम ना हो, हमारी वेद विद्या चले गई, हमारी गुरुकुल विद्या चले गई, तब हमारा भारत गुलाम हुआ। जब तक वेद विद्या थी, जब तक गुरुकुल की प्रतिष्ठा थी, जब तक गुरु की मान्यता थी, तो हमारे भारत को जीतने का किसी को अधिकार नहीं था। यह बात ही चाणक्य चंद्रगुप्त को समझा रहे थे और अलेक्जेंडर को उनके गुरु अर्कमणि समझा रहे थे। जब तक भारत में गुरुकुल है तब तक तू भारत को जीत नहीं सकता, और यह बात चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से करके बताई थी। और जब तक तुम गुरु पर विश्वास करोगे फिर भारत कभी गुलाम नहीं बनेगा। जब तक गुरुकुल है, साधना का मार्ग है, तो भारत अपना विजयी भारत फिर विजयी भारत कहलाएगा। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें उस गुरुकुल परंपरा को आगे चलाना है, उस वेद विद्या को आगे चलाना है जिस वेद विद्या में वो सारे शक्तियां छुपी हुई है, उसे उजागर करना है। जिस विद्या की गुरु जी ने निखिल ज्योति जलाई है उस ज्योतियों को लेकर आगे चलना है और बताना है कि हम सामर्थ्यवान है। हम जंगल में भी जीकर बता सकते हैं, हम जंगल में भी आतिशबाजी कर सकते हैं, जंगल में भी उत्सव मना सकते हैं, घर में नहीं बड़े महलों में नहीं। और यह करने के लिए साधना चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, और हमारे में जो दुर्गुण है, जो हमारे शत्रु है, उसका पहले अंत हो जाना चाहिए। वो अंत हमारा ये है, हमारे में एक के प्रति एक के भाव, मैं बड़ा, मैंने साधना दशमा बगलामुखी की साधना की, दशमा विद्या की साधना की, आज तू क्या है, तू कल कल आया है, तूने सिर्फ गुरु मंत्र जप किया है, तेरे पास साधना नहीं है, या उसको नीच दृष्टि से देखना, ये नहीं है, उसे अपने मार्ग पर लेके आते हुए आगे बढ़ाना। हमारे में पहले वो अहम भाव चला जाना चाहिए। इसलिए मैंने कल कुंडली जागरण की प्रक्रिया करते हुए आज शत्रुदमन की वो प्रयोग आपको समझाया। शत्रुदमन का प्रयोग यह है कि आप में आपके शत्रु स्वयं है, आपका अहम, आपकी ईर्ष्या, आपका द्वेष, आपका रखने का आपका डर, आपके रोग, आपकी दरिद्रता, ये आपके शत्रु है।
और आप उसको दबाकर उसके ऊपर पांव रखकर आगे चले, तब आप निखिल चेतना, निखिल चेतना केंद्र का या निखिलेश्वरानंद जी का कार्य कर सकते हैं। बोलिए परमपति गुरुदेव की जय, माता जी की जय, हरे हरे महादेव। जिन्होंने भी शत्रु दमन का वह यंत्र और माला लिया है, जिसमें बगलामुखी का यंत्र है और पीली हकीक माला है, लेकिन आपने देखा है कि मंत्र अलग है। बगलामुखी का मंत्र मैंने ले लिया, जैसा कहा कि सर्व दुष्टानाम, वो नहीं, मैंने वो अगस्त महर्षि का मंत्र जब राम जी, रामचंद्र जी ने उपयोग करते हुए रावण को मारा था और रावण रामचंद्र जी को नमस्कार कर, शत्रु होने पर भी नमस्कार करते हुए कहा कि राम तूने अच्छा किया, यही कार्य कृष्ण ने किया, और चाहे भीष्म मरा या चाहे दुर्योधन, उसने भी कृष्ण को नमस्कार किया शत्रु होते हुए भी। क्यों? क्योंकि वह जानते थे, उनको उनको प्रायश्चित करवाकर बतला रहा था कि तुमने तुम्हारे जीवन गलत जिया है, तुम चाहे कितने भी सिद्ध हो, तुम्हारे पास कितने भी अस्त्र हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए मारा है कि तुमने गलत कार्य किया है, ऐसे ही तुम तुम्हारे शत्रु को मार सके, तुम्हारा शत्रु तुम्हें यह पहचान सके कि हमने इसके प्रति गलत आचरण किया, ये निखिलेश्वरानंद जी का भक्त है, ये निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य है, हमने इसके प्रति गलत आचरण किया इसलिए हम भोग रहे हैं, ये शत्रु जाने। और यही मंत्र, इसी मंत्र को हनुमान जी ने वाली सुग्रीव को देकर कहा था, अगस्त महर्षि का यह मंत्र, जो भी निर्माण, जो भी इस मंत्र का पाठ करता है बगलामुखी यंत्र के सामने, उसका शत्रु उसके सामने घुटने टेक देता है, चाहे वो कितना बड़ा महान भी क्यों ना हो। वो मरते समय भी कहता है कि हमें प्रायश्चित नहीं, मैं तेरे हाथ से मरा हूं, तो मैं आज मैं उज्ज्वल भविष्य में जा रहा हूं, तो तेरा गलत कार्य नहीं किया, तूने अच्छा किया मुझे मारकर, ये शत्रु तुम्हें कहे, मैं आज उस शत्रु दमन का मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप मेरे साथ उस मंत्र को बोले, और यंत्र और माला का विधान मैंने इसमें ही समझा दिया है, पहले मंत्र मेरे से उच्चारण करके इस मंत्र को बोले, क्योंकि मंत्र एक विशेष विशेषता को लेके हुए हैं। इस मंत्र को आज तक कभी उजागर नहीं किया, केवल ये वेद मंत्र कहलाया जाता है। इसको नारायण उपनिषद में, एक नारायण उपनिषद दो प्रकार के हैं, नारायण उपनिषद दो प्रकार के, एक नारायण उपनिषद है जो स्वयं हनुमान जी ने रचा था और ये आज तक किसी को नहीं मालूम, उसमें यह मंत्र है दिया हुआ कि जो यह मंत्र करता है उसके जिस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी ने अपने शत्रु को दमन करते हुए, अपने अहंकार को सभी को छोड़कर उन्होंने शत्रु पर विजय पाई थी, वही प्रक्रिया जीतने के लिए, वही प्रक्रिया करने के लिए जिस मंत्र को दिया था, वही मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं नई चेतना चाहता हूं, नया मंत्र सृष्टि करना चाहता हूं, कुछ नयापन आपको देना चाहता हूं कि संसार में आप अच्छे साधक बन सके। मैं सभी के सामने, गुरु जी कहा करते थे, शेर अपना राह अपना बनाता है, वो बकरियों की तरह भेड़ियों की तरह नहीं आता, अपना मार्ग बताता है, मैं भी वही चाहता हूं, आप भी शेर बने, अपनी पगडंडी आप निकाले और आपके पगडंडी पर लोग चले, ऐसा मंत्र आपके पास हो, कोई दिया हुआ मंत्र नहीं हो, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र को यंत्र के सामने दक्षिण की दिशा करते हुए 5 दिन रोज 21 माला के हिसाब से करने से आप में जो भी, आपके जो भी शत्रु है, वो चाहे मानव के रूप में हो, राक्षस के रूप में हो, और किसी रोग के रूप में, दरिद्रता के रूप में, उसका निश्चित ही अंत होगा। तो किसी आपके पाप कर्म करने से आपको रोग आया हुआ है, दरिद्रता आई हुई है, किसी का आपके घर पे श्राप है, भी तो इस मंत्र से उस श्राप का उत्थान होता है और आप उस शत्रु से आप हटकर गुरु कार्य में लग सकते हैं, ऐसा मंत्र है ये। आपके घर में कोई श्राप के कारण आप दुखी हैं और जिसके कारण आप साधना नहीं कर सकते, गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी साधनाएं सिद्ध नहीं होती, आप किसी कारणवश या किसी गुरु दोष के कारण, गुरु निंदा के कारण आपके जीवन में ऐसा हुआ है, तो इस सारी निंदाओं को, सारे दोषों को निवारण करते हुए ये मंत्र आपका उद्धार करते हुए साधना मार्ग पर अग्रसर करता है। 5 दिन में एक रोज 21 माला के हिसाब से भी कर सकते हैं या रोज एक माला करते हुए 40 दिन में भी यह साधना संपन्न कर सकते हैं। मंत्र एक विशेषता लिए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि नारायण उपनिषद में भगवान हनुमान जी ने सुग्रीव को दिया था और यह उस मंत्र की श्रेष्ठता है। मैं आपको मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें, यह आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी मंत्र है। साधना के मार्ग में आपके घर में दरिद्रता है, रोग है, राई है, कोई माता पिता आपके विरोध करते हैं, आपकी पत्नी आपको साधना में विरोध करती है या कुछ भी करते हैं, उसको भी सही मार्ग पर लाने की यह प्रक्रिया है। यह मंत्र जो करेगा वह पश्चाताप करेगा कि मैं निखिलेश्वरानंद जी, कोई आपको सिगरेट पीना या दारू पीना नहीं सिखा रहे, वो साधना का मार्ग लगा रहे हैं और उसके उसमें जो आपको अड़चन निर्माण कर रहे हैं, उस अड़चन निर्माण अड़चन को निकाल देते हैं और उनको अच्छी बुद्धि देते हैं कि आप साधना करो और आप महान बनते हुए आगे चलो, हमारे जीवन को भी सुखी करो, आप भी सुखी रहो, समाज भी, जो समाज आपको उंगली उठाकर दिखाता है इस मंत्र के बारे में, वो समाज आपको अगर उंगली उठाएगा नहीं, आपको नमस्कार करेगा, ये भी आप साधना करके देख लो, ये मेरी गारंटी है, आप साधना करके तो देखो। मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें।
बोले हूं फट राम ओम राम राम मम मंत्रम घोरं द्राक हन हन यो अस्मान द्वेषी यमच वयम द्विष्मः। फिर एक बार बोलता हूँ, हूं फट राम ओम राम राम मम मंत्रम घोरं द्राक हन हन यो अस्मान द्वेषीयम च वयम द्विष्मः। मंत्र और एक बार बोल रहा हूँ, बोलो हूं फट राम ओम राम राम मम मंत्रम घोरं द्राक हन हन यो अस्मान द्वेषीयम च वयम द्विष्मः। इसे कालभद्र मंत्र भी कहा गया है। काल भी इसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई अगर ग्रहों की पीड़ा इसके ऊपर है और साधना नहीं हो रही है तो ये काल के भांति वज्र के भांति काम करता है यह मंत्र। और यह मंत्र हनुमान जी ने सुग्रीव को देते हुए कहा था कि मैं चिरंजीवी बना और मैं चिरंजीवी बन के रहते हुए मेरे जीवन में जितने भी शत्रु आए केवल इस मंत्र से मैं उनको जीत सका। यह हनुमान जी का कहना था। जब यह ऐसा ही मंत्र है, नारायण उपनिषद में लिखा हुआ मंत्र है, तो आपके जीवन में भी उतनी ही श्रेष्ठता प्रदान करें और आपके उन शत्रुओं को जो आपके साधना में अड़चन निर्माण कर रहे हैं, आपके और गुरु के बीच में कोई लकीर खींच रहे हैं, ऐसे लोगों को पश्चाताप दें और उनको अच्छे मार्ग में लगाने के लिए आपके रोग दरिद्रता आपकी जो भी पीड़ा है जिसके कारण आप साधना नहीं कर सकते या स्वामी निकेश्वर जी तक पहुंच नहीं सकते, उनके लिए यह मंत्र संजीवनी दायक है। यह मंत्र करने के बाद वो अपनी साधना में तत्पर होकर आगे चलेगा, जरूर चलेगा, यह मेरा विश्वास है। और यह मंत्र मैंने भी किया है और आपको भी करने के लिए कह रहा हूँ। जो इस मंगलामुखी यंत्र के सामने हकीक माला रखते हुए इस मंत्र की 21 माला 5 दिन या रोज एक माला 40 दिन तक साधना करता है उसके जीवन में ऐसी पीड़ाएं नहीं रहती। समाज, उसके व्यक्तित्व, उसके घर वाले उसकी साधना में कोई अड़चन निर्माण नहीं करते और न कोई ग्रह पीड़ा होगी न कोई रोग राय होगी साधना करते समय। यह मंत्र 11 बार बोलकर आप साधना में बैठ जाओ, आप कोई किसी प्रकार का बुखार या किसी प्रकार का अड़चन या आपकी कर्ण पिशाच की मोबाइल फोन कभी बजेगा नहीं जो आपको प्रॉब्लम कर सके। आप जरूर इस साधना को करें और आपके जीवन में देखिए कि ऐसे अड़चनों से दूर होते हुए आपकी कुंडल जागरण की प्रक्रिया करते हुए आप निखिलेश्वरानंद जी का नाम उज्जवल बनाने के लिए आपके जीवन में अड़चने दूर करने के लिए मैंने ये साधना आपको दी है और आप ये साधना आपके जीवन में संपन्न करके देखें, जिसमें शतुघ्न यंत्र और हल्दी की माला का विशेष प्रभाव है। और यह हमने तैयार करके इस मंत्र से, राम मंत्र से ही हमने इसको उपासित करते हुए आपके सामने यह माला और यह बगलामुखी यंत्र रखा हुआ है। इसके सामने आप करने से राम मंत्र के साथ बगलामुखी का होना अलग है। विष्णु ने भी उपासना बगलामुखी माता की थी हरिद्रा सरोवर पे, गुजरात जहाँ हरिद्रा सरोवर रहा है वहाँ भी की थी। शिवजी ने भी बगलामुखी की साधना की थी, ब्रह्मा जी ने भी बगलामुखी की साधना की थी, वशिष्ठ सप्त महर्षियों ने भी बगलामुखी की साधना की थी। आज त्रिजटा अघोरी जी जो महान तांत्रिक योगी कह रहे जाते हैं उन्होंने भी बगलामुखी की साधना की थी और गुरु जी ने ऐसा ही एक बगलामुखी का गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष मंत्र प्रदान किया था। इसी उसी विशेष मंत्र की परंपरा में यह भी एक विशेष मंत्र है जो आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएगा। मैं आपको परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से आशीर्वाद देते हुए आपके जीवन के सारे अड़चनों को दूर करते हुए साधना के माध्यम से आप निखिल ज्योति को जलाते हुए अग्रसर होने के लिए आशीर्वाद देता हुआ गुरु पूर्णिमा का यह दूसरा दिन यहाँ समापन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आपको एक बार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जय घोष करते हुए इस मंत्र के उपलक्ष्य में हम बताएं कि गुरुजी यह हमारे जीवन के अड़चने सभी आप अड़चनों का निर्माण आपका उसको उन अड़चनों को निकाल दें। यह प्रार्थना करते हुए जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी प्रकार एक साबर मंत्र है जो मच्छिंद्रनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी को दिया था। कहा था कि साधना में जब भी अड़चने आए, ओले पड़े आपके ऊपर, इंद्र का आपको साधना में कष्ट पहुंचाए या ऐसा कोई भी साधना करते समय कष्ट पहुंचाए, तब मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को जो मंत्र दिया था वो भी मंत्र मैंने शत्रुघ्न की प्रक्रिया में कुंडली जागरण के विधान में दिया था। मैं उस मंत्र को भी बता रहा हूँ, उसमें भी शत्रुघ्न का यंत्र है और काली हकीक माला से 5
या 11 पांच मारा 11 दिन एक लाख मंत्र जब पांच या 11 दिन में करने का है, इससे भी हम वही श्रेष्ठता पाते हैं जो हमारे जीवन की अड़चने दूर करने के लिए शत्रु दमन प्रयोग कहा गया है। मंत्र बोल रहा हूँ, आप भी मंत्र बोले, या ये साधना दो भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि गुरु मंत्र से अपूरित, गुरु कृपा से अपूरित सारा नाथ संप्रदाय इस मंत्र को करते हुए ये सारे अपने जीवन में अड़चन निकालते हुए वे आगे बढ़ा और साधना में उस श्रेष्ठता को प्राप्त किया जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसे वैकुंठवासी लोग और कैलाशवासी लोग भी मूर्छित हो जाते हैं जिनकी गुरु शक्ति के सामने। ऐसा ही ये अड़चन निवारण करने वाला ये मंत्र है। यह मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र आप मेरे साथ बोले बोले ओम ऐं ग्लौं ठं ठं हूं स्वाहा। बोलो ऐं ग्लौं ठं 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 हूं स्वाहा। ऐं ग्लौं ठं ठं हूं स्वाहा। गोरखनाथ जी कहते हैं इस मंत्र में इतनी श्रेष्ठता है कि आप साधना करते समय कोई ऐसे निर्माण करें और कोई आपके ऊपर ऐसा तांत्रिक प्रयोग कर दे कि आप साधना ही नहीं कर सके और आप घर में बैठे रहे आपके ऊपर प्रयोग कर दें, तो यह मंत्र करने वाले जिसने इस मंत्र को सिद्ध किया है, जो प्रयोग इसके ऊपर करता है वो प्रयोग उसको वापस चला जाता है, चाहे वो बाणासुर का प्रयोग हो, बाणामती हो, या कोई मूठ प्रयोग हो, कोई मूठ चालन प्रयोग हो, या कोई कृत्या प्रयोग भी हो, अगर उसके ऊपर करता है और यह मंत्र करने वाला साधक है वो जो अगर इसका रोज मंत्र पठन करता है तो उसकी विद्या उसी को उसी का तांत्रिक प्रयोग उसी को वापस चला जाता है और उसके ऊपर प्रहार करता है, अपने ऊपर असर नहीं बताता, ऐसा गोरखनाथ जी ने कहा है। यह मंत्र उतना ही श्रेष्ठ है और यह मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सही मार्ग पर ले जाए और इसी मार्ग पर ले जाते हुए मैंने यह शत्रुदमन की साधना आपको आज प्रदान की। मैं कहता हूँ कि आप इसी मार्ग पर चलते हुए आप आपके जीवन को श्रेष्ठतम उज्ज्वलमय और सौंदर्यमय बनाए और उत्सवमय बनाए और चार लोगों को आप संतोष प्रदान करने का कार्य करें। आप गुरु कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहें, आपको गुरु कार्य में किसी तरह का अड़चन ना आए और गुरु कार्य ही संसार का ऐसा कार्य है जो अपने को सारा गृहस्थ सुख सारा सौंदर्य सारा ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। आप एक बार विचार करके देखो, आप गुरु कार्य करते रहो तो आपके पीछे कितने लोग हैं और आप अपना अकेले का कार्य करते रहो आप ये भी देखो कि आपके लोग आपके पीछे कितने खड़े हुए हैं। आप एक बार विचार करके देखो, आप इतना बात इतनी बात कहो कि मैं गुरुजी का फोटो रखा हुआ हूँ, मैं गुरुजी के भजन के लिए आप आओ, तो आपके घर में आप अकेले नहीं है तो आपके पास पांच लोग आएंगे, उस पांच लोगों में तीन लोग आपकी निंदा करने वाले होंगे और दो लोग आपकी प्रशंसा करने वाले होंगे। निंदा करने वाले अपने सामने रहना चाहिए क्योंकि वो अपनी गलतियां बताते हैं और जब वो गलतियां बताते हैं तो हम श्रेष्ठ बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता निंदा करने वाले नहीं जरूर चाहिए, हम फोटो रखकर गुरु मंत्र जब करें तो उसमें तो 10 लोग आएंगे तो 5 लोग ये बात जरूर कहेंगे ये गुरु बन के बैठा हुआ बड़ा आरती करने आया है। मैं भी घर में करता हूँ, ये पहले यहाँ से आरंभ होता है, अपना अपनी चर्चा यहाँ से आरंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती है तो तुम उसके कहने पर तुम्हारा कार्य मत रोको, वो एक दिन तुम्हें जरूर पहचानेगा कि ये कार्य ठीक कर रहा है, तुम तुम्हारा कार्य करते रहो। लेकिन उसके कहने पर अगर कार्य बंद कर दोगे तो तुम्हारे जैसे गया भी तो आदमी दूसरा नहीं है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, शराब जुआ पत्ते नहीं खेल रहे हो, उसको पत्ते खिलाने के लिए बुला रहे हो, गुरु कार्य गुरु की आरती के लिए बुला रहे हो और तुम्हारा ये कार्य जिस दिन होगा उस निंदाओं की सहने की शक्ति तुम्हारे में होगी और तुम गुरु कार्य करते हुए आगे बढ़ोगे तो जरूर समाज तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। और जब तुम उस दिन जिस दिन उत्सव मनाएंगे, जिस दिन 10 लोग तुम्हारे साथ आगे तालियां बजाएंगे आरती में तालियां पीटेंगे, उस दिन तुम उत्सव मनाने के वो कार्य करेंगे, वो गुरु कार्य होगा। तुम्हारे घर में शादी उत्सव के दिन बहुत ही तुम्हारे ऐसे लोग सारे लोग होंगे जो तुम्हारे ऊपर निंदा करने वाले, लेकिन यह निंदा और उस निंदा में बहुत फर्क है, इस निंदा से तुम्हारे को कोई चुभेगा नहीं, वो निंदा से तुम्हें बहुत चुभेगा, वो त्रिशूल बन के आएंगे ये चुभेगा तो तुम्हारा शरीर वज्र शरीर होगा। तुम एक कार्य करने वाले गुरु कार्य करके तो देखो तुम्हारे पीछे उत्सव और तुम्हारे पीछे वो आनंद वो हंसी वो प्रसन्नता तुम्हारे में ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। मैं कहता हूँ कि आप गुरु कार्य करें, आपकी सारी अड़चने दूर हो, यही प्रार्थना करता हुआ मैं शत्रुदमन का प्रयोग और मंत्र आपको दिया हूँ। आप यंत्र और माला स्टाल से ले सकते हैं और इस मंत्र का जब आप मैंने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार कर सकते हैं। मैं हाँ ये जरूर है, मैं हैदराबाद में बैठा हुआ हूँ आंध्र प्रदेश में, बार बार ये कहते हुए भूल जाता हूँ कि मैं भाषा सिर्फ हिंदी ही उपयोग करता हूँ, कुछ लोग यहाँ के प्रांतीय लोग भी हैं और वे चाहते हैं कि उनकी भाषा में मैं समझाऊँ, वो सच्ची बात तो यह है कि वो मेरी भाषा जानते हैं लेकिन सविस्तार से जानने के लिए थोड़ा और उनको कुछ प्रेशर करना पड़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं तेलुगु में उनको कुछ इन बातों को समझाऊँ।